Best child investment products. What investment did I give to my child? Hello friends, welcome back to my investing with Anu episode. आप लोग सोच रहे होंगे एक साल हो गया मैंने अभी तक कोई भी वीडियो पोस्ट क्यों नहीं किया. एक्चुअली मैं लाइफ के बहुत ही ब्यूटीफुल फेज प्रेगनेंसी मदर टू बी फेज से मैं गुजर रही थी और मैं अभी 2 महीने के बच्चे के मदर हूँ. आई एम ब्लेस्ड विद ए 2 मंथ्स बेबी चाइल्ड नाउ. तो अभी 2 मंथ्स हो गया मेरा बेबी तो लाइफ में थोड़ा अभी सेट हो गया है, थोड़ा सेटल हो गया है. अभी उतना सेटल नहीं हुआ है फिर भी थोड़ा सा अभी कुछ टाइम मिलेगा इसलिए मैं सोचा इन्वेस्टिंग विद अनु एपिसोड को मैं फिर से शुरू करूँ. आप लोग का सपोर्ट चाहिए. इन्वेस्टमेंट एपिसोड में मैं बच्चों के लिए कौन सा प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है वो मैं आपको एपिसोड वाइज में डिस्कस करूंगी. आज के एपिसोड में मैं बताऊंगी सेविंग अकाउंट के बारे में. तो सबसे पहले जानते हैं व्हाई इन्वेस्टमेंट फॉर चाइल्ड. बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है? इन्वेस्टमेंट इसलिए जरूरी है जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सके. बच्चे से ही अगर आप शुरू करें तो बहुत ही अच्छा होता है. लाइफ में जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करें उतना ही ज्यादा अच्छा होता है. बच्चों को लाइफ में फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ फाइनेंशियल एजुकेशन भी सिखाना जरूरी होता है, तभी वो आगे चल के लाइफ में कैसे फाइनेंशियली फ्री जल्दी हो सके वो लाइफ में वो जल्द ही सीख जाएंगे. तो माय बेबी इज ओनली 2 मंथ्स ओल्ड नाउ और उसको मैंने अभी से सबसे पहला इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट डेट इज सेविंग अकाउंट उसको मैंने गिफ्ट किया है उसके 2 मंथ्स बर्थडे में. नाउ व्हाई सेविंग अकाउंट एज अ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट. सेविंग अकाउंट आपके बच्चे का सबसे पहला इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होना चाहिए क्योंकि अगर सेविंग अकाउंट नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं कर सकते. आप अपने बच्चों को इन्वेस्टमेंट सिखाएंगे कैसे अगर सेविंग अकाउंट ही नहीं है? क्योंकि अगर सेविंग अकाउंट है तभी अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो सबसे पहला बेसिक स्टेप टूवर्ड्स द इन्वेस्टमेंट इज टू ओपन अ सेविंग अकाउंट फॉर योर चाइल्ड. अब आपके मन पे सवाल आ रहा होगा क्या 2 मंथ्स बेबी का भी सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप 2 मंथ्स बल्कि आप 0 मंथ्स बेबी का भी अकाउंट खोल सकते हैं. ओनली बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए. मेरे बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट आने में थोड़ा टाइम लग गया इसलिए मैं उसका 2 महीने में खोल पाया. आप अगर 0 मंथ्स में भी बर्थ सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं तो आप 0 मंथ से भी उनका सेविंग अकाउंट खोल के शुरू कर सकते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कौन सा बैंक में अकाउंट खोलना चाहिए. आप किसी भी RBI लाइसेंस बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं. बस ये ध्यान रखिए कि वो बैंक को RBI मॉनिटर और कंट्रोल करती है. मैंने पर्सनली SBI बैंक में खोला है और SBI में 0 to 10 मंथ्स के बच्चे के सेविंग अकाउंट को पहला कदम अकाउंट से जाना जाता है. हर बैंक का प्रोडक्ट अलग अलग नाम होता है. अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानते हैं. डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए सेविंग अकाउंट एक बच्चे के लिए खोलने के लिए. सबसे पहला डॉक्यूमेंट बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए और गार्जियन का यानी कि मदर या फादर का पैन कार्ड कंपलसरी है और पैन कार्ड के साथ साथ आधार या वोटर या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट. अगर ये डॉक्यूमेंट्स है तो आप आराम से किसी भी RBI लाइसेंस बैंक में बच्चे के लिए अकाउंट खोल सकते हैं. अब आइए फीचर्स के बारे में जानते हैं. फीचर्स बच्चे के अकाउंट में आपको ATM, चेकबुक और नेट बैंकिंग भी मिल जाएगी. हर बैंक के अलग अलग फीचर्स है लेकिन SBI में मैं जहाँ खोली हुई ये 3 फीचर्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे लेकिन विद लिमिटेड राइट्स. लिमिटेड राइट्स मतलब बड़े अकाउंट में जो बड़ों को हर फीचर्स मिलती है इसमें कुछ कुछ फीचर्स लिमिटेड होंगे. अब आइए इस वीडियो के बोनस पॉइंट में आते हैं. मैंने क्यों अपने बच्चे को अभी से सेविंग अकाउंट खुलवाया
और क्यों ये बच्चे के लिए वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स है। मैंने अपने बच्चे के लिए अभी से सेविंग अकाउंट इसलिए खुलवाया क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन भी देना बहुत ही जरूरी है, जो आपको स्कूल्स में नहीं सिखाए जाते हैं। जो स्कूल में नहीं सिखाए जाते हैं तो आपको ही अपने बच्चे को सिखाना पड़ेगा। अगर आप अभी से बच्चे से ही शुरू कर देंगे तो वो जल्दी ही लाइफ में कैसे फाइनेंशियली फ्री होना है वो सीख जाएंगे, यानी कि उसको 60 इयर्स तक वेट नहीं करना पड़ेगा रिटायर होने के लिए। वो जल्दी अपने लाइफ में फाइनेंशियली रिच रिटायर हो सकते हैं एट द यंग एज ऑफ हिज लाइफ। और सेविंग अकाउंट इसलिए वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है क्योंकि सेविंग अकाउंट ही नहीं है तो आप अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स लाइक PPF, SIP, रेकरिंग FD या किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में आप इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते। तो इस तरह आप अपने बच्चे के लिए सेविंग अकाउंट खोल के उसको फाइनेंशियल एजुकेशन का ज्ञान अभी से दे सकते हैं। और एक बात, अगर अभी से उनको इन्वेस्टमेंट उनके अकाउंट में करवा देंगे तो कंपाउंडिंग का लाभ उसको मिलेगा। अर्ली अगर स्टार्ट करेंगे तो उसको कंपाउंडिंग इफेक्ट का बेनिफिट भी मिलेगा, यानी कि छोटी से छोटी रकम भी 500 अमाउंट भी करोड़ तक उसके हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग दिस इन्वेस्टिंग विद अनु एपिसोड। मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपके लिए बेस्ट चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स और क्या क्या है, अपने बच्चों के लिए कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। Till then, bye-bye, take care.